हाय एवरीवन, दिस इज अलीशा महाजन फ्रॉम अन अकेडमी। तो हमने कहाँ से छोड़ा था? पिछले लेक्चर वीडियो में हमने बेस क्लियर करा कि बजटिंग का चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको मेथड्स रिवाइज करवाऊंगी। पहला मेथड है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे आ जाते हैं एक तो पे बैक वाले सारे मेथड। पे बैक को कोई छोटी मोटी चीज मत समझो, पे बैक के भी आगे फर्दर बहुत मेथड्स हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसके बारे में मैंने कल पिछले लेक्चर वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया भी था कि क्या लेते हैं हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और नेक्स्ट लेक्चर मतलब आई मीन टू से नेक्स्ट जो मेथड्स है आफ्टर ट्रेडिशनल हमारे, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हैं, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, डिस्काउंटेड मेथड आ जाता है, एनपीवी आ जाता है, आईआरआर आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है। ये सारे हमारे मॉडर्न मेथड, टाइम एडजस्टेड मेथड बोल सकते हैं इसको, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोल सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड की। द फर्स्ट मेथड दैट यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पे बैक मेथड। अब पे बैक मेथड क्या होता है? देखो, पे बैक मेथड का सिंपल सा मीनिंग है कि आपने जितना पैसा लगाया वो आपको कितने सालों में कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लगाए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए यहाँ पर लिखा। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल आपको मिलता है 5 लाख, दूसरे साल आपको मिलता है फिर से 5 लाख, और अगले साल मिलता है 2 लाख, मतलब टोटल आपको 12 लाख मिलता है। क्यों? कहीं पर इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा ही करोगे ना। कभी आप ये सोचकर इन्वेस्ट करते हो कि मुझे कम पैसे मिलेंगे, ज्यादा का सोच के इन्वेस्ट करते हो ना। तो पे बैक से हमें क्या पता लगता है कि पहले साल हमें 5 लाख हुआ, इसमें 5 लाख और ऐड किया, दूसरे साल हमें 5 लाख हुआ, टोटल हमें जो 10 लाख रुपए है वो कितने सालों में हो गए, 2 ईयर्स में। सो पे बैक मेथड हमें क्या बताता है? पे बैक मेथड हमें सिर्फ इतनी चीज बताता है कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो आपको कितने सालों में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद पोस्ट पे बैक आता है, वो क्या बताता है, एक्स्ट्रा आपको कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा बोले तो प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, क्योंकि 10 लाख तो आपने पहले इन्वेस्ट करे ही हुए थे। एक्स्ट्रा आपको कितना आया, एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए आया, उसे हम बोलते हैं पोस्ट पे बैक मेथड। उस पर भी चलेंगे, पहले हम फर्स्ट वाला मेथड करेंगे ना, इसको समझते हैं पहले। पहला हमारा मेथड है, पोस्ट जो पे बैक मेथड होता है ना, उसकी हमारे पास ना दो केसेस हैं। पहला केस क्या कहता है, जब आपको ना हर साल ना इक्वल अमाउंट आ रही है, मतलब पहले साल भी 5 लाख आया, दूसरे साल भी 5 लाख, तीसरे साल भी 5 लाख, इस तरीके से। और लेकिन ये होता है व्हेन अवर कैश इनफ्लोज आर इक्वल ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना, जैसे मैंने पिछले बार बताया 10 लाख, और एनुअल कैश इनफ्लोज जो है हमने वो टोटल बता देना है कि हमने वो टोटल बता देना है, इन्वेस्टमेंट आपने इतनी करी और एनुअल कैश फ्लो आपको कितना हो रहा है वो भी लिख देना है, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने साल, ठीक है, कितने सालों में आपको पता लग जाता है। अभी इसको हम सम भी रिवाइज करेंगे, पहले बस इसका मीनिंग क्लियर कीजिए। फिर इसके बाद इनफ्लोज आर अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब है पहले साल 5 लाख आया, फिर 6 लाख आ गया, फिर 4 लाख आ गया, अनइक्वल है ना। 5 इज नॉट इक्वल टू 6, 6 इज नॉट इक्वल टू 4। ये हमारा होता है सेकंड मेथड पे बैक का, जब हमारे कैश इनफ्लोज जो होते हैं अनइक्वल होते हैं पूरी के पूरे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के टाइम पर, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज लेते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब प्लस प्लस करते हैं, 5 प्लस 6, ऊपर जो एग्जाम्पल है ये वाली, फिर 4, उसको भी समझते हैं। तो अब देखो, ये पहली जो एग्जाम्पल है वो उस चीज की है जब हमारे पास क्या है, इक्वल कैश फ्लोज है, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखें, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50 लाख रुपए, एंड हर साल आपको कितना मिल रहा है, 12 लाख 50 हजार, 12 लाख 50 हजार, 12 लाख 50 हजार आपको कितने सालों के लिए मिल रहा है, टोटल 7 सालों के लिए। इट मींस इसमें वो वाले साल भी जुड़े हुए हैं जो जितने 50 लाख के बाद का अमाउंट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि टोटल बताया ना कि 7 सालों के लिए आपको 12 लाख 50 हजार मिल रहा है। अब हमने देखना है कि हमें जो हमारा 50 लाख है ना वो कितने टाइम पर मिल रहा है। सो 50 लाख लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 12 लाख 50 हजार। इसकी कटिंग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 4 सालों में
टोटल हमें पैसा 7 साल तक मिल रहा है, इट मींस जो 4 सालों तक हमें कितना मिल जाएगा टोटल अमाउंट, 50 लाख जो हमने इन्वेस्ट करी थी, और 5वें साल से हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया है, 5वें, 6ठे और 7वें साल, क्योंकि टोटल कितने सालों के लिए मिल रहे हैं, 7 साल। इट मींस अगर पे बैक पीरियड हमारा 4 साल है तो पोस्ट पे बैक पीरियड कितना हुआ, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 3 ईयर्स हमारे हो गए पोस्ट पे बैक पीरियड। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट हमारी है सेकेंड एग्जाम्पल, जो बताती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें आपको क्या हो रहा है, इसमें टैक्सेस की भी ट्रीटमेंट है। तो आपको पता है कैश फ्लोज में हम टैक्स का, टैक्स और डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डेप्रिसिएशन अगर कटी होगी तो उसे दोबारा से प्लस कर देते हैं और टैक्सेस को तो माइनस रहने ही देना है। ठीक है, सो एग्जांपल देखते हैं, 20 लाख रुपए आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और एनुअली आपको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन काट कर और टैक्सेस भी, सो इट मीन्स अभी हमें पहले इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो कितना गिवन है, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, टैक्सेस। ठीक है, तो 3 लाख रुपए का हमारा टैक्स है 50%, 3 लाख का 50% कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 कर दिया माइनस, बचा कितना, 1,50,000। अब 12.5% क्या है हमारा, 12.5% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे लगानी है, इस 20 लाख पे, जितनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, तो 20 लाख पे 12.5% हम लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए। अब देखो डेप्रिसिएशन इट मींस जो है हमारी यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारा बिफोर टैक्सेस हमें चाहिए ना, तो टैक्स माइनस कर दिए, लेकिन डेप्रिसिएशन तो नहीं ना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन लगा कर, अगर यहाँ पर बिफोर लिखा होता फिर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, इट मींस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस की हुई है, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देंगे, तो 2.5 लाख रुपए दोबारा से प्लस हो जाते हैं। 2.5 लाख रुपए प्लस करे तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए हमारा क्या हो जाता है, एनुअल कैश फ्लो जितना हमें आ रहा है। तो पे बैक इसका कैसे निकलेगा, इट मीन्स यहाँ पर डेप्रिसिएशन और टैक्स का ट्रीटमेंट करेंगे, कैश फ्लो हमने टोटल लगाया था 20 लाख रुपए और हर साल हमें आ रहा है 4 लाख रुपए, और इसलिए हमें 5 सालों में कितना मिल जाएगा, 20 लाख रुपए मिल जाएगा, 4 4 लाख करके, 4 5 20। तो ये वो केस है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, जिसमें हमारा, हमारे पास अभी भी ये वही केस है कि हमारे पास इक्वल कैश फ्लोज ही आ रहे हैं, इक्वल कैश फ्लो का वो वाला केस है जिसमें हमने डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट करी और टैक्स की ट्रीटमेंट भी करी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, ये वो केस है जिसमें हमारे कैश फ्लो सेम नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये पहले 1 लाख मिल रहा है, फिर 1.5 लाख मिल रहा है, इट मीन्स ये सेम नहीं ना है, ये सारे के सारे डिफरेंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वेरी इजी गाइज। सो प्रोजेक्ट का हम देखते हैं कैश फ्लोस, कैश आउट आउटले कितना है, 4 लाख रुपए, मतलब हमने कितने पैसे लगाए, 4 लाख। हमने अब क्या देखना है, 4 लाख हमें कितने सालों में मिल रहा है। ठीक है, और इनफ्लोस बताया हुआ है, पहले साल मिला 1 लाख रुपए, दूसरे साल मिला 1.5 लाख रुपए, तीसरे साल मिला 2 लाख रुपए, चौथे साल मिला 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये मिला, अब हम इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या कर लेना होता है, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, लिख लो। पहले साल कितना मिला, 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख। अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लेंगे। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब है प्लस 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 करेंगे। पहले ले लेंगे सीधा 1 का 1 लाख रुपए, फिर अब हम 1 लाख में 1.5 लाख प्लस कर देंगे तो कितना बन गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख में 2 लाख प्लस कर देंगे तो कितना बन गया, 4.5 लाख, और 4.5 में 2.5 लाख प्लस कर देंगे, 7 लाख। हमें चाहिए कितना, हमें गाइस चाहिए थे 4 लाख। तो 4 लाख किस किस के बीच में आ रहा है, अब इसको समझे, ये देखो 4 लाख हमारा आ रहा है 2.5 लाख और 4.5 लाख के बीच में। ठीक है ना, इट मींस हमने अब क्या देखना है, इसको सॉल्व करने का तरीका समझे। पहले हमें 4.5 लाख तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि अगले वाले साल हमें एक्स्ट्रा, ये 4.5 लाख एक्स्ट्रा है, हमने क्या देखना है, 4 लाख कितने सालों में आ रहा है। तो उसके पहले वाली अमाउंट हम देखेंगे वो कितने सालों में मिल गई है, 2.5 लाख हमें कितने सालों में मिला है, 2 सालों में। 2.5 लाख हमें कितने सालों में मिला है,
2 सालों में। अब हम 4.5 लाख में से हमें चाहिए 4 लाख ही ना बस टोटल, तो वो हम देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 4 लाख में से हमें कितना मिल चुका है, 2.5 लाख मिल चुका है। बचा कितना, 4 में से 2.5 माइनस करो, कितना बचा, 1.5 लाख रुपए। और जो चाहिए वो हम लिखेंगे ऊपर, 1.5 लाख रुपए चाहिए। और पर वो दे कितना रहे हैं, मतलब थर्ड वाले साल में हमें मिल कितना रहा है, उसके लिए हमें ये 2.5 लाख और ये 4.5 लाख का डिफरेंस लेना होगा। 4.5 लाख में से हम 2.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना बच जाता है, 2 लाख रुपए। सो बेस में वो लेंगे जो हमें दिया हुआ है और ऊपर ये लेंगे जो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ये हमें दिया हुआ है। सो अब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा ये गई गई ये 4 जीरोस, ये भी गई 4 जीरोस, तो करेंगे 5 3 15, 5 4 20। अभी जो 3/4 है ये मंथ्स है, इसको एक बार 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल मंथ्स पता चल जाएंगे। 4 1 is 4, 4 3 is 12, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो ये हो गए हमारे पास 9 मंथ्स। सो इट मीन्स 2 साल और 9 महीनों में हमारी अमाउंट जो है वो हमें मिल रही है, कितनी मिल रही है, 4 लाख रुपए। ठीक है, से गाइज वो केस है जब हमें क्या हो, हमें इनफ्लोज जो है हमें सेम ना हो, अनइक्वल इनफ्लोज हो। तो ये वो वाला केस आपका क्लियर हो गया है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आपका ये वाला कौन सा मेथड है, पे बैक मेथड, क्लियर हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस, ये सबसे सिंपल मेथड है, तो कोई पेपर में अगर अजम्पशंस आती है तो आप आराम से लिख सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट इजी टू कैलकुलेट मेथड, इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट है, कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब आप कहेंगे मैम अभी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न तो करवाया नहीं, लेकिन हल्का सा आपको डिफरेंस इतना तो पता लग गया ना, वहां पर हम डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं, लेकिन ये वाले मेथड्स में हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें कैश आइटम्स लेते हैं, इस वजह से ये वाला मेथड बाकी मेथड से इजी है। सो इट इज सुपीरियर है, और ये बहुत अप्रोप्रिएट है जब हमें लिक्विडिटी, मतलब बहुत जल्दी हमें पैसे देखने हैं कि कितने हमें मिले कितने नहीं मिले, तो उस चीज को देखने के लिए हमारे पास ये बेस्ट मेथड होता है लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमें इजीली मिल जाता है। ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन विच मे बी, हाँ सो कहते हैं ये शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए बेस्ट है, मतलब कोई पूछे पे बैक मेथड जो है वो शॉर्ट रन के लिए है कि लॉन्ग रन के लिए है, तो आप बता सकते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि ये लिक्विडिटी पर ज्यादा फोकस करता है रेदर देन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो कहते हैं पे बैक पीरियड इज यूजफुल अपार्ट फ्रॉम मेजरिंग लिक्विडिटी, ये और सिचुएशंस में भी यूज होता है, ये IRR को कंप्यूट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो ये हमारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। अभी और एडवांटेजेस पड़े हैं, देखो कहते हैं इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ अकाउंट ऑन ऑब्सोलेंस, आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट ही नहीं होती, क्यों नहीं होती है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये क्विकली क्विक मेथड है जब हमें स्क्रीनिंग करनी हो प्रपोजल की, फटाफट से निकल जाता है ना, सबसे इजी जो मेथड है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो और ये मेथड क्या हमें बताता है, जब तक आपका पे बैक पीरियड ओवर नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलते। मैंने यही सिखाया था ना, अगर 4 सालों तक आपका पे बैक पूरा हुआ है तो उसके जो नेक्स्ट वाला ईयर होगा, 5th ईयर, वहां से आपके प्रॉफिट्स शुरू होंगे। तो ये चीज जो है कौन बताता है, पे बैक मेथड बताता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है, ये क्या इग्नोर करता है, सभी कैश फ्लोज को इग्नोर, ऑल कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करता। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल 4 लाख है था हमारा, वो तीसरे साल हो गया, तीसरे साल में हमें पता लग गया, तो हम चौथे साल पांचवें साल को कंसीडर ही नहीं करते। इट मीन्स हर एक कैश फ्लो को ये कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, सो ये दूसरी चीज क्या है, ये टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये नहीं देखता है। एनपीवी वगैरह देखते हैं ना, साथ में इसका डिफिकल्ट वाला पॉइंट क्या है, ये डिस्काउंट फैक्टर को नहीं लेता, जो हमारा बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये हो गया ना, डिस्काउंट फैक्टर को नहीं लेता, जो हम फॉर एग्जांपल 10% लगाते हैं। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं आज का अगर कोई 10 रुपये है तो वो आने वाले टाइम के फ्यूचर का वो 1 रुपया होगा। सो इट मीन्स
फ्यूचर के 50,000 की आज क्या वैल्यू है, वो हमारी होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो वो भी हमें नहीं बताता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज हो जाता है। और यस, एंटायर लाइफ को ये नहीं कंसीडर करता, सिर्फ पे बैक को देखता है कितने सालों में हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि पोस्ट पे बैक को ये नहीं ना कंसीडर करता। सो दैट्स वाई। सो ये था हमारा पे बैक वाला मेथड। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्काउंटिंग पे बैक एंड उसके सम्स करेंगे, फिर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, रेसिप्रोकल, बेल आउट पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और उसके बाद हम किस पर चलेंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले मेथड्स पर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी।